हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो गाइस यार, आज हम एक बार फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट। लेकिन मैं माइनक्राफ्ट में ना कौन से भी यूट्यूबर के इस बार वर्ल्ड में नहीं जाने वाला हूँ, ना कि मैं कौन सी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमने ना आई थिंक 3 या 2 महीने पहले ना एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने माइनक्राफ्ट में एक घर बनाया था। इस वीडियो में हम घर नहीं बोल सकते, लेकिन इस ट्री हाउस बनाने वाले भी वो एकदम तगड़ा होने वाला, मैंने जैसे सोचा है और वैसे ही बनाएंगे। तो चलिए अभी विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले ना मैं एक ट्री चूज कर लेता हूँ, मतलब ये अच्छा हो एकदम। तो मुझे ना सबसे अच्छा ना मेरा सामने वाला लग रहा है, एकदम घना बोल सकते हैं इसे हम लोग, और एकदम अच्छा भी दिख रहा है दिखने में। तो इसके ना मैं पहले तो इसको पूरा ना आजू बाजू से ना क्लीन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो फटाफट से ना हम इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा लगने वाला है। राइट गाइस, तो मैंने ना पूरा ना मतलब क्लीन कर लिया, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने अच्छे से क्लीन करा है कि नहीं। तो पीछे की साइड रह रहे वो इतनी मेन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ना अभी इसको थोड़ा ना बड़ा कर देते हैं मतलब ही। तो मैं इसके बाजू में ना ये कुछ ऐसे ऐसे वुड लगाने वाला हूँ पूरे चारों साइड से, मतलब ना ये थोड़ा बड़ा और एकदम चौड़ा लगे भाई, अच्छा लगना मांगता है, दिखने की बात है सिर्फ। ऊपर से ना मैं थोड़ा घर ना छोटा बना सकते हैं, तो देखते हैं भाई। और इसके बाद मैं नीचे से भी पूरा थोड़ा कवर कर देता हूँ, और पूरा कवर करके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अपने ट्री हाउस की लुक ना कैसे आने वाली है। ऑल राइट गाइस, मैंने ना पूरा ना बाजू से मतलब ना ऊपर का ना थोड़ा कट कर दिया, क्योंकि बहुत ही हाइट हो रही थी अपने ट्री हाउस की। तो ये ऊपर का जो घास फूस है ना, मतलब पेड़ के पत्ते हैं ना, उनको मैंने रखा है, बाकी का इधर का एरिया ना पूरा वुड निकाल दिया है। तो देखो मेरा क्या प्लान है, मैं इसके ऊपर अपना घर बनाने वाला हूँ और अपने घर की स्टेयर्स ना इधर से आएंगे। और मैंने बाजू से पूरा फिलअप कर दिया, उससे अपना घर थोड़ा मतलब अच्छा दिख रहा है दिखने में। तो मैं अभी ना स्टेयर्स ले लेता हूँ यहाँ से। तो स्टेयर्स आई थिंक सो यहाँ पर मिलेगी कंस्ट्रक्शन के साइड में। तो मैं ना वुडन की स्टेयर्स लेने वाला हूँ, डार्क कलर की नहीं लेंगे, ये लाइट कलर की लेते हैं हम लोग। तो इससे ना थोड़ी अच्छी लुक आएगी, क्योंकि डार्क पे डार्क अच्छा नहीं दिखेगा, डार्क पे लाइट ना थोड़ा उठ के आएगा। तो कुछ मैं ना ऐसी स्टेयर्स लगानी थी, हाँ मैं थोड़ा उल्टा लगा दिया, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर मैं कुछ उल्टी क्यों लग रही है, हाँ चलो भाई सीधी लग गई। तो कुछ ऐसी स्टेयर्स ना मैं नीचे तक लेके आने वाला हूँ और नीचे तक हम लगाएंगे। तो रुको भाई, नीचे से भी मैं पैक ऐसी लगा देता हूँ। तो ये थोड़ी सी उल्टी आ रही है इधर, आई थिंक सीधी, हाँ। तो देखो भाई ऐसी ना मैं हर जगह लगाने वाले, उल्टी के बैठ जा रही है। तो इस ऐसी मैं हर जगह लगा के ना आपको एक बार दिखा देता हूँ कि स्टेयर से अपने घर की लुक और अच्छी दिखने वाली है। उल्टी लगी गलती से, मैं अभी सीधी सारी करके आपको दिखा देता हूँ। गाइस, तो मैंने ना पूरा ऐसे फिलअप कर दिया, तो मैंने बीच में जुगाड़ का लगा दिया, स्टेयर्स ना पूरी सीधी नहीं बैठ रही थी, उल्टी बैठ रही थी। तो मैंने बीच बीच में वुडन प्लैंक्स लगा दिए, तो अपनी सीढ़ी ना कुछ ऐसी लग रही है भाई, बहुत ही तगड़ी एंट्री लग रही है। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ ना, तो यहाँ से मैं ना इन वुडन प्लैंक्स से ना, पहले तो मैं क्राउच हो लूँ, इन वुडन प्लैंक्स से ना कुछ को लाइक ऐसे ना मैं हर जगह ना फिलअप करके और थोड़ा सा मैं घर टाइप बना के आपको एक बार दिखा देता हूँ घर की लुक, फिर हम सीधा चलेंगे आगे की तरफ। ऑल राइट गाइस, तो मैंने ये लास्ट ब्लॉक बचा था इसको भी फिलअप कर लिया। तो अपने घर की ना लुक कुछ ऐसी लग रही है, हेलीपैड जैसा लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा ऊपर से, लेकिन ऐसे नहीं लिखा है वो बात अलग है। तो अभी इसे ना मैं दूसरे वुडन ले लेता हूँ, मतलब तो दूसरे से हम इसे पैक करेंगे। तो मैं अभी ना सोच रहा हूँ वे ये कलर वाले ले ले, थोड़े अच्छे लग रहे भी दिखने में, अपने घर की लुक भी ना बहुत ही बढ़िया आने वाली है। सो मैं इन्हें ना कुछ ऐसे बिठाने वाला, तो आपको एक बार मैं लुक दिखा दूँ। तो इन्हें ना मैं कुछ ऐसे ना पूरे घर के ऊपर बना देता हूँ, और फिर उसके बाद पूरा सेटअप करना है, फिर अपना घर तैयार है। तो इसको मैं कर लेता हूँ, फिर इसके बाद फिनिश करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसी लुक आने वाली है। गाइस, तो मैंने ना पूरा ये फिलअप कर दिया एरिया, तो ये कुछ ना दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि उड़ भाई कैसा लग रहा। तो दूर से कुछ ऐसा लग रहा भाई, बहुत ही सही घर, आलीशान अंबानी के घर को भी मार दे देगा। तो मैं ना नीचे से ना थोड़ा सा ये ना ब्लॉक सटा देता हूँ, मैंने टेम्पररी लगा रखे है। तो ना तो इनको निकाल के मैं आगे का काम आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। ओ भाई यहाँ पर होल कैसा है, अरे यार मैं तो इसमें गिरा गिरा नहीं, हाँ बच गया बच गया। तो आनंद भाई गिर गया, तो भाई ये किसने बनाया मुझे सच में नहीं पता यार, ओ माय गॉड ये कितने किसने बनाया भाई यार सच में नहीं पता मुझे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो गाइस मजाक को बाजू में रखते हैं, हमने पहली वीडियो में ना जो माइनक्राफ्ट की जो हमने बनाया उसमें भी हमने एक सीक्रेट रखा, सॉरी 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 ये किसने खोल दिया भाई बंद करो, सीक्रेट रखा था। तो इस वाले वीडियो में वही सेम सीक्रेट है। तो भाई मैंने ना इस घर के अंडरग्राउंड में वो घर ना मैंने एकदम भद्दा सा बनाया टाइम पास, तो रियल घर अपना यही है। तो इसको ओपन कर लेते, लेट्स गो, 3 2 1 लेट्स गो। गाइस तो ये है अपना घर आलीशान से, इधर LED TV है जो है 52 इंचेस, और यहाँ पर टीपॉय सोफा, और यहाँ पर मेरे सारे औजार है, यहाँ पर अपना बेडरूम है और एक कबर्ड बोल सकते हो अपना, और देन इस साइड सबसे मेन चीज जो सबकी जिंदगी में जरूरी होते टॉयलेट। तो ये देखो भाई ये ऑटोमेटिक टॉयलेट है भाई, 3022 का टॉयलेट है, और ये अपना
भाई बात तो भाई कभी नहाने भी नहीं, कभी अपने को भी मन करता तो यहाँ पर मस्त डुबकी लगा देते भाई, मज़ा आता है। तो ये तो हो गई अपने घर की बात भाई, बहुत ही आपको अच्छा लग रहा है कि मैं एक बार व्यू दे दूँ। कुछ ऐसा घर है नीचे का, तो आपको लग रहा है कि इतना ही घर बना है, नहीं भाई मैंने इतना नहीं बनाया। तो आप इधर भी देख लो भाई, ये तोड़ के हम जाएंगे सीधा अपने और नीचे। भाई मैंने बहुत ही भाई मेहनत से बनाया इस वीडियो के, एक लाइक तो कर दो भाई, तू बाजू हो ना, एक लाइक के बाद कर तो कोई ना कोई बीच में ही आ जाता। तो फटाफट से अभी चलते हैं नीचे। ऑल राइट गाइस, तो आप देख रहे हो भाई यहाँ पर मैंने फुल फार्मिंग तो नहीं बोल सकते, मैंने सब एनिमल्स पाल के रखे भाई, गधा घोड़ा भाई फॉक्स भी सब कुछ है अपने पास, शीप भी है और इसको क्या बोलते हैं पोलार बियर भी है अपने पास। तो यहाँ पर ना मैंने पोर्टल की तरफ भी, किसने खोल दिया, बंद करो बंद करो बंद करो, तो थोड़ा तो ना सस्पेंस चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पोर्टल की जगह जाने के लिए ना एक दरवाज़ा बनाया, तो 3 2 1। तो देखो भी यहाँ पर मैंने सारे के सारे आर्मर्स लगा दिए। ऑल राइट गाइस, आपको एक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने सारे आर्मर्स, इस वाले आर्मर को ना मुझे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसको जाने देते। ये अपना पोर्टल है, पोर्टल के अंदर कुछ नहीं, तो ये तोड़ो और ये भी तोड़ो और देन ऑल राइट। भैया किसने तोड़ दिया, तो छोड़ो भाई ये तोड़ना ही था। तो देखो भाई आपको लग रहा होगा पोर्टल के अंदर क्या होगा, लेकिन पोर्टल के अंदर भी आपके भाई ने एक रूम बना दिया है। भाई भाई क्या हो रहा है, सब कुछ क्यों तोड़े जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक एंचेंटमेंट टेबल और इसके जैसा बना रखा है मैंने लाइब्रेरी, रहता है यहाँ पर विद स्केलेटन है और यहाँ पर स्केलेटन हॉर्स, वहाँ पर ब्लेज है। और इस वाले का ना नाम मुझे कमेंट में बताना, उसका मुझे याद था यार लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। यहाँ पर सारे विलेजेस, तो भाई इसके आगे कुछ मैंने बनाया नहीं, इसको भी बनाने में 3 दिन लगे भाई। पूरे घर को भाई पूरा मैंने ना 3 दिन लेके ना बहुत ही मेहनत करके ये घर बनाया। और आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अगर इस वीडियो पर अच्छे खासे लाइक और व्यूज़ आ जाते तो मैं समझूंगा भाई ऐसी वीडियोज़ ना लोगों को ज़्यादा पसंद है, मैं ऐसी वीडियो बनाने का ना और भी ट्राई करूँगा, मतलब बनाने तो वाला ही हो लेकिन और भी अच्छे से बनाऊँगा। तो भाई देखो भाई मैंने ना पूरा घर का आपको ना व्यू ना जो होता है ना वो दिखा दिया। अभी आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको ये पूरा घर कैसा लगा और मैं तोड़े क्यों जा रहा हूँ यार। तो यहाँ पर भाई बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो को, एक तो लाइक बनता है यार, मैं इतने से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, इसका एक ही रीज़न है कि मुझे यही वाला ऐसा बनाना था। तो अपने ये छोटे से चिंटे से घर की, वैसे तो इसकी कोई अहमियत तो है नहीं लेकिन फिर भी इसका व्यू ले लेते हैं। सो ऑल राइट गाइस, आज की इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके लाइक ठोक दो और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर ही दो भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पर, तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और भी आप भी अपने वीडियो हमारी वीडियो एंजॉय कर पाए। तो ओके गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अमेजिंग गेम लेकर। तब तक के लिए Alors on danse, alors on danse.